देखिए, सामान्यतः हर महीने हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग होती है, तो आज भी अलग अलग विभागों के कोई 15-16 एजेंडाज थे, मुख्य रूप से जिसके अंदर एजुकेशन की ओर से दो प्रमुख एजेंडाज थे जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक तो जो इस समय हमारे क्लासरूम्स हैं उनको कैसे वेब बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जाएं, उसके लिए एक बड़ी मात्रा में सामान जो खरीदना था वो आज मैंने खरीदा है, और उससे हमारे बहुत से जो विषय हैं, एक ऑनलाइन एजुकेशन का जो विषय है उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे अगले साल में। इसी प्रकार कुछ 38 आइटम्स स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की थी स्कूलों के लिए, उसका भी एक एजेंडा आया था और लगभग 25 करोड़ रुपए का ये सामान ये खरीदा गया जो स्कूलों के अंदर सप्लाई किया जाएगा आउटडोर गेम्स के लिए, इंडोर गेम्स के लिए, ताकि स्पोर्ट्स में हमारे स्कूल जो हैं वो और आगे बढ़े। पावर के, इरिगेशन के कई और एजेंडाज थे जो विभिन्न तरीके से उसको पूरा किया गया है। लगभग 400 करोड़ रुपए की आज जो है परचेज वो की गई है। सर, 1 तारीख से फसलों की खरीद शुरू हो रही है, आपने पिछले दिनों समीक्षा बैठक भी की थी, 1 अप्रैल से फसलों की खरीद को लेकर और पेमेंट को लेकर सब पूरी तरीके से इंतजाम कर लिए गए हैं? हाँ, डिपार्टमेंट ने पूरी रिव्यू मीटिंग्स अपनी कर ली हैं, मैंने भी एक मीटिंग की है और सारी व्यवस्थाएँ लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और सब जगह प्रोक्योरमेंट 1 तारीख से सरसों की, गेहूं की ये शुरू हो जाएगी। इस बार सरसों चूँकि MSP से ऊंचे दामों पर बिक रही है, इसलिए MSP पर हमें मिल पाएगी ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो 500-600 रुपया क्विंटल रेट उसका ऊपर चल रहा है। गेहूं की प्रोक्योरमेंट पूरी होगी और सब व्यवस्थाएँ, जितना भी लॉजिस्टिक्स हैं, जितने सिस्टम्स हैं, वो सब खड़े कर लिए गए हैं। इस बार पेमेंट का जो विषय आया, हमने कहा, पहले भी कहा है और मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि पेमेंट सीधी किसानों के खाते में जाएगी, किसान बाद में अपने आढ़तियों से या जिनका भी लेना देना है वो अपने तरीके से जैसे पहले करते हैं उस प्रकार से वो करेंगे। किसान आंदोलन के आड़ में जिस तरह से पंजाब में अपने नारे पर हमला हुआ, प्रदेश में भी अलग अलग जिलों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन किए गए, किस तरह से देखते हैं सर ये, जिस तरह से एक अलग तरह का एग्रेशन दिखाया जा रहा है? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपने बात को कहने का एक अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें आंदोलनकर्ता अपनी बात को कहने का शांतिपूर्ण ढंग से अभी लगातार कर रहे थे, हमें कुछ में आपत्ति नहीं थी। लेकिन किसी को अपनी बात को दूसरे को कहने के लिए विरोध करेंगे, और जिस प्रकार का एक घिनौना एक हरकत जो पंजाब में हमारे विधायक के साथ की गई वो बहुत ही निंदनीय है, और उसके विरोध में हमने अपनी बात पंजाब सरकार को भी दर्ज करा दी है और हमने केंद्र में भी ये कहा है, हमने पब्लिकली भी, आज जो है हरियाणा में सब जिला केंद्रों के ऊपर प्रदर्शन हुए हैं, पंजाब में भी कल हुए थे। तो ऐसा लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, लोकतंत्र को कभी खतरे में नहीं डालना चाहिए, और ये मैं सभी जो भी लीडर्स हैं, जो भी राजनेता हैं, जो इस प्रकार के आंदोलन को चलाने में अगुआ रहते हैं, उनसे मेरी अपील है कि एक सीमा में रह करके अपनी बात को कहने का अधिकार सबको कहना चाहिए। मेरा कहना कि किसी को भी कोई भी अग्रणी नेता होता है, चाहे वो राजनीतिक है चाहे गैर राजनीतिक है, ऐसी भाषा किसी को नहीं बोलनी चाहिए, ये अलोकतांत्रिक है और इससे सामाजिक वातावरण बिगड़ता है, तो इसलिए किसी को नहीं करनी चाहिए, जो करता है वो सीमा को लांघ के करता है। मैं उसी बात की, जैसे निंदा प्रस्ताव उस समय हमने पारित किया था विधानसभा में, मैं फिर से वही निंदा ऐसे लोगों की करूंगा जो इस प्रकार से टकराव करते हैं। आज एक अच्छी बात यह है कि हमारे जितने प्रदर्शन हुए हैं उसमें किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं हुआ है, और उसमें उनके कुछ लीडर्स ने अपील भी की है कि हम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे जो प्रदर्शन है उसमें कोई टकराव नहीं करेंगे। हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो भी कहेंगे, पार्टियां भी कहेंगी, कोई भी संगठन अपनी बात को कह सकता है, तो इसी में यही मर्यादा है कि कोई किसी के कार्यक्रम में अवरोध ना डाले। मैं बता रहा हूँ, उन्होंने जैसे मंच से कही है, सार्वजनिक तौर पर कही है, मैं भी आज सार्वजनिक तौर पर ही आप लोगों के माध्यम से जनता को ये कह रहा हूँ कि ऐसी बातें किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं करनी चाहिए, जो करेगा उसका जनता में उसकी साख गिरेगी, ये भी चिंता हर किसी को करनी चाहिए। देखिए, दिल्ली कुल मिलाकर के हमारे लिए ऐसा है जैसे हरियाणा का एक शहर होता है,
दिल्ली यानी हरियाणा तीन तरफ से दिल्ली को घेरता है, और मेरे तो 8-10 जिले ऐसे हैं जो दिल्ली में बैठ करके ही वहाँ से मैं डील करता हूँ, आगे कार्यकर्ता मिलने आते हैं, वहाँ सब होते हैं, और दिल्ली हमारी केंद्र है, केंद्र सरकार दिल्ली में है, तो मिलना जुलना बड़ा स्वाभाविक होता है। और इसका अगर यूं ही दिल्ली जाने के मेरे काम यानी मेरे कार्यक्रमों के ऊपर अंदाज लगाने लगे, मैं तो हफ्ता सप्ताह में 2 बार जाता हूँ, अभी कोविड के दिनों में या थोड़ा सेशन था थोड़ा कम गया हूँ, वरना तो सप्ताह में 2 बार जाता हूँ, फिर तो आपको कई बार कैश लगाने पड़ेंगे। खुश रहो। नहीं नहीं, टाई अप नहीं हुआ है, केवल उनसे बातचीत हुई है कि बाजरे की खपत के लिए वो भी आगे आए, क्योंकि जो जो ईटेबल्स जो भी बनाते हैं उन सबको कहा कि भी जितने ग्रेन्स का उपयोग करते हैं उसमें बाजरा जो है मोटा अनाज है, हमारे हरियाणा की उपज है, और इसकी खपत बढ़नी चाहिए। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2023 को हम मिलेट ईयर मनाएंगे, मिलेट ईयर का मतलब मोटा अनाज ये खाना शुरू करें लोग बाग, इसका बहुत बड़ा लाभ है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभ है। तो ऐसी एक अपील प्रधानमंत्री जी ने भी की है, हम भी चाहते हैं कि भी ये बाजरा है, मक्का है, इस प्रकार के जितने अनाज हैं इसका उपयोग जनता में बढ़ना चाहिए, शरीर की जो बीमारियाँ हैं उससे घटेंगी, कम होंगी। धन्यवाद।